नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान में यूनिट संख्या 5th का अध्ययन कर रहे हैं। इस यूनिट का यह अंतिम चैप्टर है, अध्याय 22 का ग्रामीण विद रूरल फाइनेंस। इसमें हम आज का जो टॉपिक है उसका चर्चा करेंगे, क्योंकि ये यूनिट संख्या 5 का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न में आता है, क्योंकि आपने यूनिट संख्या 3 में ग्रामीण वित्त के यहाँ पर हम स्रोत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर हमने कृषि वित्त के विभिन्न स्रोतों के बारे में चर्चा की थी। सेम ही टॉपिक है, यहाँ पर सिर्फ ग्रामीण वित्त है, वो कृषि वित्त है। तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी यूनिट संख्या 5th में क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसको आप अच्छे से समझना और अच्छे से अटेम्प्ट करना परीक्षा में। तो आज का टॉपिक है ग्रामीण वित्त के प्रमुख स्रोत और कृषि विकास के लिए इसके क्या सापेक्षिक महत्व है। ग्रामीण वित्त के स्रोतों में हम पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा भी की थी कि ग्रामीण वित्त के विभिन्न स्रोतों में मुख्यतया कृषि साख के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन वित्त प्रदान करते हैं। ग्रामीण वित्त के स्रोत से पहले हम ग्रामीण वित्त के बारे में जान लेते हैं कि ग्रामीण वित्त से निवेश किए जाने वाले उस धनराशि से है जो फर्म पर उत्पादकता में वृद्धि में सहायक होता है, जिसमें उत्पादकता वृद्धि के लिए प्राप्त किया गया ऋण एवं उपभोग ऋण जो कृषकों की दक्षता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं सम्मिलित होते हैं। किसानों को भूमि की स्थायी सुधार के लिए ऊंची कीमतों को यंत्र खरीदने, कुआ व बनवाने, अच्छी किस्म के बीज खरीदने आदि का भुगतान जीवन निर्वाह कारों में लंबे समय तक हमें पैसा उधार में लेना पड़ता है, इसलिए हमें ग्रामीण वित्त की आवश्यकता पड़ी। ग्रामीण वित्त मुख्यतया 3 प्रकार का उपलब्ध होता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन ऋण में मुख्यतः 15 माह की अवधि होती है, दीर्घकालीन में 1 वर्ष से अधिक होती है, नहीं मध्यकालीन में 1 वर्ष से अधिक और दीर्घकालीन में 5 वर्ष से अधिक की होती है। इसी प्रकार से ग्रामीण वित्त भारत में कृषि वित्त की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ग्रामीण वित्त के स्रोतों को 3 भागों में बांटा है, जिसमें प्रथम है गैर संस्थागत स्रोत, नंबर दूसरा है संस्थागत स्रोत और तीसरा है सरकार। इस प्रकार से ग्रामीण वित्त के स्रोतों को 3 भागों में एनालिसिस किया गया है। गैर संस्थागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जिसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे नियमन नियंत्रण नहीं होता है। संस्थागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे नियमन नियंत्रण होता है। सरकार के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न मूलभूत योजनाओं के माध्यम से कृषकों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और योजनाएं लागू करती हैं। तो इस प्रकार से ग्रामीण वित्त के स्रोतों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। गैर संस्थागत स्रोत में जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें रिजर्व बैंक का नियमन नियंत्रण नहीं होने से कृषक या किसान वर्ग किसी अन्य माध्यम से पैसा लेता है जिसमें अत्यधिक ब्याज राशि उन्हें चुकानी होती है, जिसमें साहूकार, देसी बैंकर एजेंट और इसमें रिश्तेदार सम्मिलित हैं, जिसमें सेठ, साहूकार, महाजन गैर संस्थागत स्रोत में आते हैं, क्योंकि इस पे रिजर्व बैंक कंट्रोल नहीं करता है, जो कि गैर संस्थागत स्रोत में मुख्यतया साहूकार, महाजन, जागीदारों और व्यावसायिक साहूकारों, व्यापारिक एजेंटों, रिश्तेदारों और भूस्वामियों के सहयोग से सम्मिलित होता है। तो ये लोग गांवों के किसानों की अधिकांशतः वित्त व्यवस्था, वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वे व्यक्ति कृषकों को प्राय अल्पकालीन ऋण देते हैं, कृषकों को फसल को विपणन से राशि में से ऋण
वसूल करते हैं। इसके द्वारा दिए जाने वाले ऋण काफ़ी महंगे होते हैं। ये किसानों से ऊंची दर से ब्याज वसूल करते हैं। एक बार इसके चंगुल से फंसने पर किसान इनसे मुक्त होना बड़ा कठिन होता है। वास्तव में ये किसानों का सर्वाधिक शोषण करते हैं। तो ये गैर संस्थागत स्रोत में आते हैं। अब हम बात करें ग्रामीण वित्त के संस्थागत स्रोतों की, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड सम्मिलित हैं, जिसमें इस प्रकार से हैं जो कि आपको एक चार्ट के माध्यम से बताया जा रहा है। रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, तीसरी हम बात करें सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जिसे अपन कह सकते हैं, सहकारी बैंक, सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक और भूमि विकास बैंक, ये संस्थागत स्रोतों में आते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और अंतिम है नाबार्ड। तो ये संस्थागत स्रोतों में आते हैं। ग्रामीण वित्त के संस्थागत स्रोतों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड को सम्मिलित करते हैं। इन संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली कृषि साख को संस्थागत साख भी कहते हैं। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था द्वारा 2010 और 2011 में कृषि क्षेत्र में 4,68,291 करोड़ रुपए दिए गए, जिनमें निर्धारित लक्ष्य 3,75,000 करोड़ रुपए से 25% अधिक थे। 11-12 में वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में क्षेत्रीय बैंकों को 5,11,029 करोड़ रुपए प्रदान किए गए, जिसका निर्धारित लक्ष्य 4,75,000 रखा, जिसका 108% तक क्रियान्वित किया गया। 2012-13 में बजट में कृषि साख के लिए 5,75,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 2014-15 में कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्य 7 करोड़ रुपए का निर्धारण भी किया गया। इस प्रकार 2014-15 में 8 करोड़ रुपए के मुकाबले 8,45,328 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया, जिसमें 2015-16 में कृषि ऋण प्रवाह के लिए 8,50,000 करोड़ रुपए निर्धारित भी किए गए। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने भी 2005 और 2006 में ये स्कीम शुरू की गई, जिसमें अल्पावधि उत्पादन ऋण, फसल ऋण के लिए ब्याज सहायता स्कीम को भी 2013-14 में निजी क्षेत्रों में भी विस्तार रूप से क्रियान्वित किया गया। तो हम बात करें प्रथम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक कृषकों का कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। यह राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करवाता है, जिसमें राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारिती समितियों के माध्यम से किसानों को ऋण देते हैं। तो कृषि संबंधी तीनों प्रकार के ऋण अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन की आवश्यकताओं के आधार पर इनको पूरा किया जाता है। तो वर्तमान में रिजर्व बैंक वित्त, कृषि वित्त का सारा भार नाबार्ड को सौंप दिया गया है, जो कृषि वित्त से संबंधित संपूर्ण कार्य का भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई। इसकी 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई, इसकी 1 अप्रैल 1935 को। तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसमें इसके पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके की गई, जिसका उद्देश्य कृषि वित्त व्यवस्था में सुधार करके सहकारी साख और विपणन समितियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना रखा गया, जिसमें मूलभूत सुविधाएँ, सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, गोदामों के लिए ऋण धनराशि स्थानांतरण करना, निशुल्क सेवा, भूमि विकास बैंकों की माध्यम से सहायता, ग्रामीण क्षेत्रों में साथ
शाखाओं का विस्तार भी किया गया। स्टेट बैंक ने जून 1972 में कृषि विकास शाखाएं भी खोली, जिसमें नई योजना प्रारंभ की गई, जिसमें प्रत्येक 5,000 शाखा से 10,000 किसानों को लाभ भी दिया गया। तीसरा है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक भारत का सहकारी ढांचे का दो पक्ष हैं, जिसमें प्रथम पक्ष है अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। इसका ढांचा इस प्रकार है, इस प्रकार राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और केंद्रीय स्तर पे इसको गठन किया गया। ग्रामीण स्तर पे प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, और जबकि जिला स्तर पे केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य स्तर पे राज्य सहकारी बैंक का गठन किया गया। तीसरी चौथी बात करें हम व्यापारिक बैंकों की, तो व्यापारिक बैंकों का भी हमने मुख्य रूप से क्रियान्वयन किया गया, क्योंकि व्यापारी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई, जिसमें व्यापारिक बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए गए। मुख्यतः इसके माध्यम से अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण ही दिए गए हैं, जिसमें जून 1969 में 162 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया, 2006-07 में 166,486 करोड़ रुपये और 9-10 में 285,799 करोड़ रुपये भी उपलब्ध करवाया गया, जिसमें 2014-15 में व्यापारिक बैंकों द्वारा कुल कृषि साख का 71% भाग भी उपलब्ध करवाया गया। तो इस प्रकार इस सुविधाओं का लाभ 50% गाँवों में दिया गया। पांचवी हम बात करें भूमि विकास बैंक की। भूमि विकास बैंक का उद्देश्य भी मुख्यतया दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है, जिसमें दो प्रकार के ऋण दो उद्देश्यों कार्यों के लिए ये प्रदान करते हैं, जिसमें इनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण का लगभग 90% भाग कृषि उत्पादक कार्य, जैसे ट्रैक्टर खरीदने, खेतों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान या अन्य विकास कार्यों के लिए। दूसरा है शेष 10% ऋण किसानों को पुराना कर्जा चुकाने जैसे अनुत्पादक कार्यों में दिया गया है। इसके विभिन्न कार्य हैं, जिसमें कार्यों की सुविधाओं के लिए अपनी शाखाएँ और उप कार्यालय खोलना, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के लिए स्थानांतरित भूमि प्रबंधकों या प्रपत्रों या पत्रों के माध्यम से ऋण पत्र जारी करना। छठा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से भी इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लघु व सीमांत कृषक, कृषि श्रमिक, कारीगर व छोटे उद्यमियों की ऋण व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इसकी पूंजी, अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपये निर्धारित की। इसने भी विभिन्न योजनाओं या विभिन्न क्रियाओं में भी काफ़ी प्रोग्रेस की है। लास्ट है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। नाबार्ड की पूंजी 100 करोड़ रुपये निर्धारित की गई, जो कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार नाबार्ड की भी अहम भूमिका रही, जिसकी मुख्य रूप से राष्ट्रीय बैंक अधिनियम 1981 की धारा 4 में इसकी प्रारंभ पूंजी 100 करोड़ रुपये रखी गई, जो कि 50-50 करोड़ रुपये की व्यवस्था के आधार पर कृषि पुनर्वित्त विकास निगम बैंक, रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग के रूप में ये समस्त कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से नाबार्ड द्वारा कृषि विकास को विभिन्न सहायता प्रदान की गई, जिसमें नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों या राज्य सहकारी बैंकों के रूप में अल्पकालीन, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। अंतिम है सरकार। सरकार कृषि साख व्यवस्था के लिए राज्य व केंद्रीय स्तर पर क्रियान्वित की गई, जिसमें भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883 के द्वारा कृषि ऋण अधिनियम 1984 के अंतर्गत कृषि ऋण दिया गया, जिसमें कुआं खोदने और ये मुख्यतया 20 वर्ष की अवधि के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया गया। इसके विभिन्न प्रकार के महत्व हैं, जिसमें हम महत्व की हम बात करें तो कृषि साख के महत्व में मुख्यतया इस प्रकार है, कृषि आदानों को खरीदने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। दूसरी, भूमि खरीदने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। जोखिम से सुरक्षा के लिए कृषि ऋण की आवश्यकता पड़ी। जमानत का अभाव के चक्र में विपणन की मंजूरी के आधार पर भंडारण की उचित व्यवस्था न होने से सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए पुराना ऋण चुकाने के लिए कृषि वित्त की आवश्यकता पड़ी। तो इस प्रकार से ये इसकी मुख्यतया इम्पोर्टेंस रही है। तो हम इस प्रकार अगले वीडियो में हम बात करें कि कृषि वित्त की कौन कौन सी कमियां रहीं और हमें किस प्रकार से हम इसको दूर करें। तो भारत में ग्रामीण कृषि वित्त की ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जो सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारत में कृषि वित्त की कौन कौन सी कमियां
कौन कौन सी ऐसी सुझाव रहे जिसको हम आसानी से पूरा कर सकें। तो अगले वीडियो में आपके लिए मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।